ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡਾਊਟਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਟਨੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। Hello everyone, said a question is, Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually. So, is question which sanu ki dasya hoya hai ki Arif ne loan lita hai bank to 80,000 rupay da, te us da jo rate of interest ki pehre hai usnu 10% पर एनम साल पर दा, ते अपन ने डिफरेंस फाइंड करना है अमाउंट दा जो 1.5 साल बाद पे करूगा बैंक नु मोड़ूगा जे उस ते इंटरेस्ट लग रहा है कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, हुन इस विच गिवन देखो, पहला अपने कोल टर्म्स की ने, पी दस्या होया अपन नु अमाउंट 80,000 दी प्रिंसिपल। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट किन्ना कहया उन्होंने 10%, ओ भी पर एनम। टाइम दिता हुआ इन्होंने अपन 1.5 साल। हुन इंटरेस्ट इन्होंने क्या है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली मतलब एन अपने कोल की है फिर 1 साल। तो हम इतने फॉर्मूला लावांगे अपन फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कढ़ने लिए, और फर्स्ट ईयर ऑफ इंटरेस्ट 1.5 साल है, पहले फर्स्ट ईयर का कढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर ऑफ इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला क्या होगा, पी इंटू 1 + R/100 इंटू एन। तो इतने वैल्यूज पुट कर दें तो अपने को आंसर की आंदा है 80,000 इंटू 1 + 10/100 इंटू एन की है 1 अपने को, तो आंसर की आ रहा है अपने को 80,000 इंटू 11/10 इंटू 88,000। सो ये आ रही है फर्स्ट ईयर दी अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं नेक्स्ट हाफ ईयर वास्ते, मतलब अगले 6 महीनों वास्ते जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो की है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। उसका फॉर्मूला की लावांगे अपन, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एथे हम वैल्यू पुट करांगे तो अपने कोल की आ रहे आंसर, हम अपने कोल पी की सी 88,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही, तो टाइम की नया 6 महीने मतलब हाफ ईयर 1/2/100। ठीक है, मतलब हम इतने अपने कोल वैल्यू की नहीं आ रही है 4400 सॉल्व करके। ठीक है, टोटल अमाउंट जो उन्हें पे करनी है वो कितनी हुई, टोटल अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 साल बाद जो अमाउंट पर होगा वो कितनी होगी, 88,000 + 4400 92,400, ए अमाउंट उन्हें पे करनी है। तो डिफरेंस कितना आया जो उन्हें लोन लिता सी 90,000, जो टोटल अमाउंट पे करूंगा, टोटल अमाउंट माइनस लोन या पी जो आप कह रहे हैं फर्स्ट ते सी कितना होगा, हो 92,400 माइनस 80,000 किन्ना आया 12,400 का। सो ए सी अपना आंसर। ठीक है, थैंक यू।